ट्वेल्थ आईएससी केमिस्ट्री के एक वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभिक्रिया बतला रहे हैं। यह अभिक्रिया जो है वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, और प्राय करके जो है बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जाने वाला अभिक्रिया है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है बाबू, इस अभिक्रिया को जरूर कंप्लीट कर लेना। अभिक्रिया आपका है फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है बाबू? फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया। तो आप सबको मालूम है, यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो इनके बारे में आप लोग इस प्रकार से लिखोगे लिखोगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जो है शुष्क एसीटोन, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, यानी इनकी अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ आपको कराना है। तो जैसे रिएक्शन कराओगे तो आपको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को ही फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जो है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? क्या मिलेगा? एल्किल आयोडाइड मिलेगा। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, आप एल्किल हैलाइड का संकेत या सिंबल सबको मालूम है, आर सिंगल बॉन्ड एक्स होता है, ठीक है। इनकी अभिक्रिया किनके साथ? सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला आपका NaI हो जाएगा, ठीक है। किनकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन। तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं इस प्रकार से, शुष्क एसीटोन एसीटोन। तो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में इन दोनों की अभिक्रिया क्या करेंगे? कराएंगे। तो जब कराएंगे तो आप सबको मालूम है कि यह R जो है इस I के साथ, R सिंगल बॉन्ड I, ठीक है, और ये Na जो है इस X के साथ, NX NaX के रूप में यहां से बाहर आपको मुख्य उत्पाद के रूप में आपको क्या मिल गया? R से एल्किल, I से आयोडाइड मिल गया आपको एल्किल आयोडाइड। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। आप समीकरण को देखकर भी इनका परिभाषा लिख सकते हो, या R सिंगल बॉन्ड X इनको क्या बोलते हैं बाबू? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। NaI इनको क्या बोलते हैं? Na से सोडियम, I से आयोडाइड, इनको क्या बोलते हैं? सोडियम आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे। R सिंगल बॉन्ड X एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जो है इस सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है? R से एल्किल, I से आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड मिलता है। सर, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो कितना आसान है फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया बाबू, आप लोग टेंशन नहीं लोगे। फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, R सिंगल बॉन्ड I यानी एल्किल आयोडाइड बनता है। कैसे बनता है? इस अभिक्रिया में जो आपका एल्किल हैलाइड होता है उनको शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जो है सोडियम आयोडाइड से क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, और मुख्य उत्पाद में आपको एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं या कहते हैं। जो बाबू चैनल पे नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।